और आज हम 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे साइंस ग्रुप का। इसमें हमने मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड पढ़ा है, जो कि था फैक्टराइजेशन। और आज हम इसका मतलब सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, कि इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिक स्क्वायर मेथड। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है कि हमने कंप्लीटिक स्क्वायर मेथड से मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में असल में पहले बात हो रही है स्क्वायर को कंप्लीट करने की, और टू टर्म का जो स्क्वायर होता है उसके दो फार्मूलाज हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका सेकंड फार्मूला जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेके आना है कि आप इसके स्क्वायर कंप्लीट कर सकें, या प्लस वाला या माइनस वाला। इसके लिए जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो स्टेप इन सारे क्वेश्चन में एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ वैल्यूज का फ़र्क आता रहेगा। मतलब जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 3 टर्म मौजूद हैं, इनमें से एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली है, एक एक्स है और एक कांस्टेंट है। हमने करना यह है कि जो टर्म एक्स स्क्वायर वाली है उसका स्क्वायर कंप्लीट करना है एक्स वाली टर्म के साथ, और जो कांस्टेंट है उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे ले गए। अब इसके बाद यहाँ पे आप फार्मूला में देख सकते हैं कि जो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपके पास जो है सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे आपको 7 भी नज़र आ रहा है। तो आपने पहले इस 7 को इलिमिनेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, और इसमें 3 टर्म्स हैं और ये तीनों 7 से डिवाइड होंगे। इधर जैसा कि 7x² ओवर 7 और 2x ओवर 7 और 1 ओवर 7, यहाँ पे हमने इन तीनों टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दिया। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, इधर इधर बाकी बचेगा x² और प्लस 2 ओवर 7x और यहाँ पर 1 ओवर 7। अभी तक हमने यहाँ पे दो स्टेप किए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पे ले गए, और उसके बाद हमने जो x² का कोफिशेंट था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जो कि सबसे अहम स्टेप है इसका। उसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखें आपको 3 वैल्यू चाहिए होती हैं, जबकि इस साइड पे सिर्फ 2 वैल्यूज मौजूद हैं। और थर्ड वैल्यू आपने अपने पास से ऐड करनी है, वो भी दोनों साइड पे, क्योंकि जो इक्वल के एक साइड पे ऐड करें वही टर्म आपको दूसरी साइड पे ऐड करनी पड़ती है इक्वल को बैलेंस करने के लिए। तो आपने करना यह है कि जो एक्स का कोफिशेंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्स का कोफिशेंट इधर है 2/7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर दें, जिस तरह यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा 1/7। और इसका स्केयर लेंगे और इसको हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। ये जैसा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी x² 2/7x, इसमें हम ऐड करेंगे 1/7² जो कि हमने एक साइड पे ऐड की, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको सेकंड साइड पर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे टर्म थी 1/7 और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1/7². अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में लेके जाना है, मतलब a² और प्लस 2ab और प्लस b². यहाँ पे आप गौर करें कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसके साथ स्क्वायर मौजूद है, और जो इसकी थर्ड टर्म है उसके साथ भी स्क्वायर मौजूद है। मतलब ये हमारे पास a² मौजूद है और b² भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 वाली टर्म हमने इसकी जनरेट करनी है इधर। मतलब जैसा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x²
प्लस टू, इधर ए आएगा, इधर बी आएगा और इधर प्लस बी स्क्वेयर। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फार्मूला जो बनता है वो ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला बनता है। और इसके मुताबिक देखें ए की जगह पर यहाँ पे एक्स है और बी की जगह पर 1/7 है, तो इसलिए हम ये जो ब्लैंक्स हैं इनको भी ऐसे फिल करेंगे कि यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 1/7। अगर आप गौर करें तो इसके अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें तो फिर से वो इससे पहले वाला स्टेप हमारे पास आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स स्क्वायर आता है, अगर 2x को मल्टीप्लाई करें 1/7 से 2/7x आ जाता है, और थर्ड टर्म जो है वैसे की वैसे मौजूद है। और इस साइड पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 × 7 = 49। और आप देखेंगे ये फार्मूला जो है किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 1/7 है, इसलिए हम लिखेंगे ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 1/7 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। और जो सेकंड साइड है वो भी हम ऐसे लिखेंगे 1/7 प्लस 1/49। ये स्क्वायर कंप्लीट करने वाला स्टेप एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया था कि जो एक्स स्क्वायर का जो सा कोफिशिएंट था वो पहले 1 बनाया, और जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड किया, उसके बाद इसका फार्मूला कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये साइड का फार्मूला तो कंप्लीट हो चुका है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इस साइड को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से। 7 और 49 का एलसीएम क्या होता है आप साइड पे करके रफ में देख सकते हैं, 7 × 7 और 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 7। तो 7 × 7 = 49, इधर हम 49 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इसका डिनोमिनेटर आपने एलसीएम से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 49 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर 7 आता है, इस 7 को आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 7 आएगा। अगला स्टेप है कि फिर इसका डिनोमिनेटर भी आपने एलसीएम से कैंसिल करना है, 49/49 इसको हम कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इस 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इसको आप ऐड करें 8 बनेगा, 8/49 और एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर भी कंप्लीट हो चुका है और ये साइड भी हमने सिंप्लीफाइड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा एक्स प्लस 1/7, इधर से 8 का अंडर रूट बनेगा, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 क्योंकि 4x स्क्वायर है, इस वजह से 4 × 2/7। लेकिन साथ आपने यहाँ पे प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि स्क्वायर या मतलब नेगेटिव वैल्यू का हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू का। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह बन सकता है, ये अगर ओरिजिन है इस साइड पे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, या और भी तरीकों से बन सकता है लेकिन हम एग्जाम्पल में यही लेंगे। इसका फॉर एग्जाम्पल ये -3 है और ये +3 है, तो अगर हम -3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 आएगा, और अगर हम +3 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 9 आएगा। लेकिन जब आप 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आएगा, बेशक आप -9 का अंडर रूट लें वो भी 3 आएगा, या फिर +9 का अगर आप करें वो भी 3 आएगा। मतलब स्क्वायर चूँकि पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से हम इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें दोनों वैल्यूज लगाते हैं। इसलिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने जब भी स्क्वायर ओपन करना है तो आपने इसमें साथ प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को आप ऐसे लिखेंगे, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये 2 हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, बाकी 7 बचेगा। ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, इसलिए आपने जो कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप ये जो सब +7 है इसको आप उस साइड पे ले जाएं, इधर जाके ये -1/7 हो जाएगा, +2 √2/7। यहाँ पे एलसीएम क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, तो
इसका एलसीएम 7 ही आएगा और पूरी टर्म सेम आ जाएंगी। ये उसके इसमें होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो हमने इसमें मतलब प्रोसीजर किया, आप ये वाला प्रोसीजर नोट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि क्वीन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारी क्वीन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये था कि ब्रिंग द कांस्टेंट टू द अदर साइड, तो हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए, वो काम हमने इस स्टेप में किया। इसके बाद थर्ड स्टेप था कि आपने डिवाइड करना है कोएफिशिएंट को, मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, जो कि यहाँ पे 7 था, तो हमने 7 से पूरी क्वीन को डिवाइड किया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये कि हमने मल्टीप्लाई किया था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, इधर हमने उसको मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, और बाद में हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, उसका स्क्वायर लेके हमने उसको दोनों साइड्स पे ऐड करना था। उसके बाद जब हमने स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड किया तो ये टर्म आई थी हमारे पास। इसके बाद हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट किया फार्मूले के मुताबिक और फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये स्टेप जो हमने सारा क्वेश्चन किया है उसके ये स्टेप्स हैं, आप ये नोट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आसानी हो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका मेथड सेम है, मतलब कंप्लीटली सेम मेथड से करना है। इसका फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा क्या था कि पहले आपने देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये क्वीन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। इसका सेकंड स्टेप ये था कि आप कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो इसका हम कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ax2 + 4x = a। ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप याद करें, क्या बताया गया था उसके अंदर, वो ये कि आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है पूरी क्वीन को, तो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो हम ए से पूरी क्वीन को डिवाइड कर देंगे। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये 4 से कैंसिल नहीं होता, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये बनेगा x² + 4/ax = 1। इसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी, और उसका तरीकेकार आपको जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे ही आपने फॉलो करना है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, फिर सिंप्लीफाई करना है 2 × 4, ये आपके पास आएगा 2/a, और इसका स्क्वायर आपने दोनों साइड्स पे ऐड कर देना। हम करेंगे यहाँ पे x² + 4/ax + 2/a², इधर भी ऐड किया, और इसको हम दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे 1 के साथ 2/a², ये रफ वर्क है। इसके बाद हमने इसकी स्क्वायर वाली फॉर्म लेके जानी है, जो कि थी a² + 2ab + b², यहाँ पे आप देखें a की जगह पे x है और आगे 2ab वाली टर्म है और साथ b² है, b की जगह पे है 2/a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 2, फिर x, फिर b की वाली टर्म 2/a + 2/a². यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर वाली फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम इसके स्क्वायर क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरी साइड का हमें सॉल्व करनी है। वो आएगी आपके पास 1 + 4/a². इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जिस तरह के a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b² के, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे a + b². इसका मतलब कि a की जगह पे x है तो x आएगा, फिर प्लस, फिर b, b की जगह पर 2/a है और होल स्क्वायर।
इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम बनता है इसका ए स्क्वायर, चूँकि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे वन होता है, तो ए स्क्वायर आ गया। वन को ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वन के साथ, तो ए स्क्वायर आ गया इधर। ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, वन। इस वन को आपने इधर फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमारा एलसीएम वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, और ये साइड भी सिंप्लीफाई होगी और दूसरी साइड पे स्क्वायर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यहाँ से आप इस टर्म का स्क्वायर रूट ले लें और इस टर्म का। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स प्लस टू ओवर ए, और ऊपर वाली टर्म चूँकि ऐड हो रही हैं, जब दो टर्म ऐड हो रही हो तो उनका आप स्क्वायर रूट ओपन नहीं कर सकते जब तक मुकम्मल स्क्वायर ना हो, जैसा कि इस साइड पे मौजूद है। यहाँ पे एक्स ऐड हो रहा है टू ओवर ए में, लेकिन इसका स्क्वायर होल है, इस वजह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस फोर, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर नहीं आ रहा नज़र, इस वजह से आप इसको ओपन नहीं कर सकते। इसको आप प्लस माइनस में लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस फोर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ए ही आएगा हमारे पास। अब इसका भी स्क्वायर रूट मुकम्मल ओपन नहीं हुआ, इस वजह से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। तो अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो टर्म यहाँ पे है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस टू ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर ओवर ए। अब डिनोमिनेटर सेम है, हम इसका ऐसे ही ले सकते हैं, सेम ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब आपने ये रूल अप्लाई करना है कि सेम टर्म यहाँ पे लिख लें और ऊपर वाले टर्म भी वैसे ही आ जाएंगे, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है सबसे पहले, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो हम सेकंड स्टेप पे आते हैं कि जो कांस्टेंट है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जैसा कि 11x स्क्वायर माइनस 34x, और कांस्टेंट को हम उस साइड पे ले गए तो ये माइनस 3 हो गए। अब इसके बाद अगला स्टेप ये था नेक्स्ट कि हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए। ये 11 से डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x माइनस 3 ओवर 11। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमने थर्ड टर्म ऐड करनी है, उसके लिए फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि आपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। आप कैंसिल करें, 17 ओवर 11 आएगा, इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना, जैसा कि ये टर्म वैसे ही आ जाएगी जिस तरह थी, और यहाँ पे हम 17 ओवर 11 को ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे। अब जब हमने ऐड कर दिया तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर पे फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि इधर माइनस है, इस वजह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ से हम a की जगह पे देखेंगे कौन सी टर्म है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर a आता है, फिर b की जगह पे है 17 ओवर 11, फिर आगे से बी स्क्वायर, और बी की जगह पर है 17 ओवर 11 स्क्वायर। इसे माइनस 3 ओवर 11 ऐसे ही आएगा, 17 का स्क्वायर इक्वल होता है 289 के, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 289 ओवर, और 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आप याद भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये 17 ओवर 11 जो है 289 ओवर 121 बन गया जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया।
इसके बाद जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये स्केयर की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, चूँकि ये ए स्केयर माइनस टू ए बी और बी स्केयर, तो ये सब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी स्केयर के। इसलिए हम ए की जगह पे एक्स लिखेंगे माइनस बी की जगह पर लिखेंगे 17/11 स्केयर, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 11 और 121 का एलसीएम आप साइड पर रफ वर्क में कर सकते हैं। 11 और 121, 11 और 1 वैसे, तो 11 और 121, तो इसका एलसीएम हम लिखेंगे 121 यहाँ पे डोमिनेटर में, और उसके बाद 11 को डिवाइड करेंगे 121 से, 11 आएगा, 11 को हम इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 आ जाएगा, जबकि हम 121 को कैंसिल करेंगे 121 से तो ये 1 आएगा, 1 को हम 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा। ये साइड सिंप्लीफाई हो चुकी थी, स्केयर बन चुका था, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि दूसरी साइड में आप 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो 256 आ जाएगा हमारे पास, और 121 वैसे ही। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सिंप्लीफाई हो चुकी है, और राइट हैंड साइड भी, तो अब हम स्केयर रूट ले सकते हैं इसका, तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस 17/11 और 256 का स्केयर रूट होगा 16 और 121 का 11। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो बेहतर है, 7 इसके प्लस माइनस भी आएगा। जो हमने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर अंडर रूट कैंसिल नहीं था हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हो गया, तो ये जिसके अंदर अंडर रूट कैंसिल हो जाए और रेशनल नंबर या होल नंबर में आ जाए, इसको आपने दो बार करना है, एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में करना है, इसको आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। जैसा कि एक्स माइनस 17/11 इज इक्वल टू 16/11 और एक्स माइनस 17/11 इज इक्वल टू -16/11, मतलब वही टर्म एक बार हमने प्लस में लिख ली और फिर उसको हमने माइनस में लिख लिया। ये 16/11 इसको हमने प्लस किया, 17/11 आ गया। अब डोमिनेटर सेम है इसका, हम एलसीएम ले सकते हैं जो कि 11 आएगा, उसमें हमें 16 प्लस 17 ऐड करेंगे तो ये 33/11 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 3, एक आंसर हमारे पास 3 आ गया। अब इसकी हम जो माइनस वाली साइड है उसको भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि x इधर ही रहेगा, जबकि -17/11 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसका एलसीएम 11 बनता है, वो सेम हम डिनोमिनेटर सेम है, इस वैसे ऐसे ही लिख सकते हैं, -17 + 17 इज इक्वल टू 1/11, और ये हमारे पास दो आंसर आ गए, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हम कंप्लीटली सेम मेथड से ही करेंगे। ये आपको जैसे नज़र आ रहा है कि 3 टर्म्स हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम स्टेप वही रिपीट करेंगे जो हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन में किए हैं। इसमें पहले हम वेरिएबल्स वाले टर्म को यहीं पर रहने देंगे और जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे हमने इसको डिवाइड करना है, जो कि एल है, एल से डिवाइड कर दिया हमने इसे फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड को भी और थर्ड को भी, ये एल कैंसिल हो जाएगा इससे, उधर एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स और माइनस 9/L। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए थर्ड टर्म ऐड करनी है, उसका रूल कि एम ओवर एल को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 से, ये आपके पास आएगा m/2l, इसका स्क्वायर लेना है और इस स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे ऐड करना है, जैसा कि ये टर्म वैसे ही आएगी, और थर्ड टर्म जो हम ऐड कर रहे हैं वो m/2l स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐड करेंगे m/2l स्क्वायर और -n/l।
जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उस पर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और जो राइट हैंड साइड है उस पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले हम इसको स्केयर वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे जो कि होंगी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो यहाँ पे हम ए की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस टू, फिर ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे एम ओवर टू एल प्लस एम ओवर टू एल स्क्वायर। और इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर होता है फोर और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एन ओवर एल। जो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आप देखेंगे स्क्वायर वाली तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए की जगह पर मौजूद है एक्स और बी की जगह पर मौजूद है एम ओवर टू एल। इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वाला रूल। जब अल्जेब्रिक टर्म आ जाता है तो आपको एलसीएम का रूल बताया था कि आपने फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख लेनी है और सेकेंड टर्म देखनी है कि क्या वो इसका फैक्टर है। तो 4l जो है l उसका फैक्टर है तो इसलिए l जो है वो दोबारा नहीं आएगा बल्कि 4l स्क्वायर ही एलसीएम होगा। एक बार इसको दोबारा जो है रिपीट कर लेते हैं कि जब अल्जेब्रिक टर्म्स आएँ तो आपने एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये कि आपने फर्स्ट टर्म लिख लेनी है और आगे सेकेंड टर्म के डोमिनेटर्स के अंदर अगर कोई चीज़ मतलब दोबारा आ गया तो वो आपने नहीं लिखनी। जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर मतलब टू एल्स यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पे सिंगल एल है तो ये एल जो है दोबारा नहीं आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लिखेंगे ना फोर एल स्क्वायर इंटू एल तो ये गलत हो जाएगा, ये फोर एल क्यूब बन जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिर्फ इसकी ये सिंगल टर्म ही यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद अगला स्टेप ये था कि इसको हम इसका डोमिनेटर हम डिवाइड करते हैं एलसीएम के साथ, तो 4l स्क्वायर को अगर हम 4l स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर m स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा m स्क्वायर। इसी तरह जो n ओवर l के अंदर डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे 4l स्क्वायर ओवर l, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4l जो मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो माइनस 4nl। अब यहाँ पे ये साइड भी हमें सिंप्लीफाई कर ली, मतलब राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई हो चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड भी। इस पर हम अब मज़ीद इसको अंडर रूट लेंगे इसका, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस एम ओवर टू एल, यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर टर्म प्लस माइनस हो रही हो तो उन पे से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, इस वजह से ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर ही रहेगा। जबकि 4l स्क्वायर यहाँ पे सिंगल टर्म है तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और l स्क्वायर का l। अब ये दोनों साइड हमने सिंप्लीफाइड कर ली और इनका स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जो ये राइट साइड वाली ये जो राइट साइड वाली मतलब इक्वेशन है यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से टर्म लेके आएंगे जो कि बनेगी माइनस एम ओवर टू एल प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एन एल ओवर टू एल। इसके बाद नेक्स्ट इस कैल्शियम जो कि डोमीटर सेम है तो ये सेम टर्म ही एल्शियम में आएगी और डोमीटर सेम हो तो ऊपर जो उसे नोमिनेटर होते हैं वो टर्म भी सेम ही आ जाती है तो ये माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस फोर एन एल और ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का मतलब पार्ट नंबर 4 का। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि है क्वेश्चन 5 3x square प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जो है मौजूद नहीं है, मतलब इसका कांस्टेंट 0 है इसलिए इसमें हम जो है फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे वो स्किप कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट ही मौजूद नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेप ज़रूरी है क्योंकि
एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 मौजूद है, हमने इस 3 को कैंसिल करना है। इस 3 को कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 3 से ही। इसकी तीनों टर्म्स को हमने 3 से डिवाइड कर दिया और ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर बचेगा और 7 कैंसिल नहीं होता 3 से, इस वजह से 7/3x आएगा और यहाँ पे 0। अब मज़ीद ये है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए थर्ड टर्म ऐड करनी है, और थर्ड टर्म कैसे ऐड करते हैं, 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, ये बन जाएगा 7/6 और इसका स्क्वायर लेकर हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x और प्लस 7/6 स्क्वायर, और ये 7/6 स्क्वायर हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट ये कि हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, तो अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ हमने किया पहले भी। तो a की जगह पर यहाँ पे x आ रहा है प्लस 2, फिर x आएगा, और b की जगह पर यहाँ पे 7/6 और प्लस 7/6 स्क्वायर। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये 3 टर्म आ चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a की जगह पे x और b की जगह पे 7/6 स्क्वायर, और ये साइड चूँकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से आंसर हो जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6, साथ इसके प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना आपने। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है और हमारे पास ये आंसर जो है रैशनल नंबर्स में है, तो इसको हम दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 7/6 और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, मतलब यही टर्म एक बार हमने इधर प्लस में लिखी और एक बार माइनस में लिख लिया इधर। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7/6 इधर ही रहेगा, ये जो 7/6 ये जो लेफ्ट साइड से है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा चूँकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब हमारी एक वैल्यू एक्स की 0 आ चुकी है। अब सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी, -7/6 इधर ही रहेगा और ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको हम राइट पे ले जाएंगे -7/6, इसका डोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 6 ही आएगा, और अगर डोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर भी वही आते हैं, सिर्फ -7 और -7 इनको ऐड करेंगे, -7 और -7 को ऐड करें तो ये -14 बन जाएगा और 6 वैसे हम देखेंगे ये किसी सेम टेबल में आता है, ये 6 और 14 ये 2 के टेबल में सेम है, तो इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 7 14, तो ये -7/3 इसका सेकेंड आंसर आ चुका है हमारे पास। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसका। जो कि एक्स स्क्वायर -2x -195 इज इक्वल टू 0। अभी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम कास्ट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 195। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, जो कि 1 है, अगर किसी केस में 1 हो तो उसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिस मर्जी टर्म को 1 से डिवाइड करो आंसर वही आता है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे।
लेकिन ये सिर्फ उस केस में होगा अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर मौजूद है। अगर इसके साथ कोई भी टर्म होगी तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम इसमें डिवाइड वाला स्टेप जो है वो स्किप करेंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप जो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला है उसके लिए वही रूल के एक्स के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इसे 1 आया और 1 का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। यहाँ पर जो कि माइनस मौजूद है इसलिए हम फार्मूला माइनस वाला बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने जैसे ही बात की कि हम x के साथ ये जो है ना 1 स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो ये 1 स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 195 के साथ भी 1 स्क्वायर ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले हम इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पर 1 है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a मतलब माइनस 2x और बी की जगह पर 1 है तो 1 आएगा और आगे 1 स्क्वायर 185 वैसे ही, जबकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो उसको हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखें कि स्क्वायर की तीनों टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 195 और प्लस 1। तो इसे हम फार्मूले के मुताबिक क्लोज कर लेंगे x माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसलिए से a की जगह पर x था और b की जगह पर 1, तो इसका हम स्क्वायर लिखेंगे इधर और ये 196 बन जाएगा। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे आगे से एक्स माइनस 1 और प्लस माइनस 14। चूँकि वैल्यू होल नंबर्स में आ रही है इस वजह से हम इसको दो बार करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाइड करें तो x इज इक्वल टू 14, ये माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास एक आंसर आया 15। अब हम सेकेंड आंसर कैलकुलेट करते हैं जो कि है माइनस 14 और ये 1 हो जाके प्लस 1 होगा, और माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13, ये हमारे पास इसका सेकेंड आंसर भी आ चुका है। आगे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 7/2x, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, जो कि थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम पहले इस इक्वेशन को लेके आएंगे फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके अगर हम साइड चेंज करेंगे तो ये उस साइड पर जाके हो जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चूँकि इसी साइड पे रहा तो ये 7/2x रहेगा, और ये माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी साइड चेंज की हैं, ये टर्म माइनस में थी, ये जो है राइट साइड पे जाके प्लस होगी और ये प्लस थी तो ये माइनस होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2, ये हम कांस्टेंट भी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही था कि हम इसको 7/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और ये आएगा 7/4 और इसका स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर यहाँ पर 15/2 और प्लस 7/4 स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर की तीन टर्म्स मौजूद हैं और यहाँ पे हमने स्क्वायर ऐड किया, तो इस साइड पे हम स्क्वायर वाला कंप्लीट करेंगे और इस साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो हम इससे पहले में क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7/4 और प्लस 7/4 स्क्वायर।
इस साइड पे मतलब x जो है वो a की जगह पे है और 7 ओवर 4 b की जगह पे है, इसलिए ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये 15 ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा और 7 का स्क्वेयर 49 होगा और 4 का स्क्वेयर 16 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम x प्लस 7 ओवर 4 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा आप ये रफ वर्क में करके दे सकते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 1 वैसे ही और 2 2 4 और 2 1 2, तो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 16। अब 2 को 16 से हम डिवाइड करके देखते हैं, 16 ओवर 2 ये 8 आएगा हमारे पास, 8 को आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है जो कि है 15, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 और 16 को 16 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, इस 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 49। आगे x प्लस 7 और 4 ये टर्म वैसे ही आएगी और ये 169 ओवर 16 आ गया हमारे पास। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अच्छा स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास टर्म्स आएंगे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 7 ओवर 4 और 169 का स्क्वायर रूट होगा 13 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, लेकिन साथ इधर आएगा प्लस माइनस, चूँकि ये रैशनल नंबर में आ गया स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो चुका है, इस वजह से हम इसको अब दो बार लिखेंगे, एक बार मतलब प्लस में और एक बार माइनस में, इसके टू पार्ट्स में होने पड़ेंगे हमें। जैसा कि फर्स्ट पार्ट बनेगा 7 ओवर 4 इज इक्वल टू 13 ओवर 4 और x प्लस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 13 ओवर 4, तो हम ये 7 को अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x इक्वल टू 13 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा और न्यूमरेटर भी वही आ जाएंगे, तो 13 माइनस 7 मतलब 6 ओवर 4, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, मतलब 2 2 4 2 3 4, तो ये 3 ओवर 2 एक आंसर हमारे पास आ चुका है x का। अब सेकंड आंसर फाइंड करते हैं, x इक्वल टू माइनस 13 ओवर 4 और ये प्लस 7 ओवर 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस 7 ओवर 4 बन जाएगा, न्यूमिनेटर सेम सॉरी डिनोमिनेटर सेम तो 4 आएगा और न्यूमिनेटर भी सेम ही आएंगे माइनस 13 माइनस 7, तो यहाँ पे माइनस 20 ओवर 4, 4 1 4 4 5 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 ओवर 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखें क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है ऑलरेडी, तो इसलिए अब हम इसका सेकंड स्टेप देखेंगे कि इसका जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33 ओवर 4। अब यहाँ से हमने जो कि यहाँ पर टू स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद थर्ड स्टेप में देखते हैं कि इसका कोफिशेंट एक्स स्क्वेयर का क्या है, इधर 1 है तो 1 से हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऑलरेडी चूँकि 1 है तो जिस तरह की हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी, अगर 1 हो तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका हम अब फोर्थ स्टेप पर जाएंगे। फोर्थ स्टेप ये था कि हमने यहाँ पर थर्ड टर्म ऐड करनी है स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए,
तो उसके लिए क्या करेंगे, 30 ये 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो आएगा 17/2। इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये दो टर्म वैसे ही रहेंगी और स्क्वायर हमने ऐड कर देना है इधर, 17/2 स्क्वायर माइनस 33/4 और प्लस 17/2 स्क्वायर। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करना है और राइट हैंड साइड पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ए की जगह पे एक्स आएगा, फिर 2, फिर एक्स, फिर बी की जगह पे 17/2 और फिर बी स्क्वायर, मतलब कि 17/2 स्क्वायर माइनस 33/4 वैसे ही, और इसकी ब्रैकेट आप ख़त्म करेंगे जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पे तीनों टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब इसका हम स्क्वायर क्लोज कर सकते हैं, जो कि एक्स प्लस 17/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे जो कि डोमीटर सेम है, एलसीएम सेम ही रहेगा, तो माइनस 33/289। ये साइड अभी सिंप्लीफाइड होना बाकी है, इसलिए इसकी लेफ्ट साइड को हम ऐसे ही रहने देंगे, 4 भी ऐसे रहेगा और ऊपर से सिंप्लीफाई करके 256 आ जाएगा। देखें ये 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 4 6 24 और 1 बचा तो 4 4 16, तो ये x प्लस 17/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जिसमें एक साइड का स्क्वायर कंप्लीट और दूसरी साइड तो सिंप्लीफाइड हो गया, एक नंबर हमारे पास आ गया। जब यहाँ तक सिंप्लीफाइड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स प्लस 17/2 और स्क्वायर रूट क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 8, चूँकि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। आगे नेक्स्ट, जो कि ये होल नंबर में आ चुका है और एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो इसके हम टू फॉर्म्स बनाएंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, एक्स प्लस 17/2 इज इक्वल टू 8 और एक्स प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 8। ये दो फॉर्म्स बनाने, तो इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, जैसा कि एक्स प्लस 17/2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम 8 को, ये जो 17/2 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होगा, तो इसका एलसीएम क्या बनता है, डोमेटर में सिर्फ एक टर्म है जो कि 2 है, तो इसका एलसीएम 2 ही बनेगा। 1 को आप 2 से डिवाइड करें, तो 2 को आप जो है 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा, इसलिए हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बनेगा 16, और 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 17, तो 16 माइनस 17 माइनस 1/2। यहाँ से हम अब इसकी सेकंड साइड को सॉल्व करेंगे, x इधर ही और माइनस 8 ये साइड पे जाके माइनस 17/2 बनेगा। यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करें, इसका यहाँ एलसीएम लें तो वो 2 बनता है, तो इसके नीचे 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 ही आएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आएगा, और अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें आंसर 1 आएगा, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करें तो 17 ही रहेगा, तो माइनस 33/2 ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। आगे अब इसकी अब आपके पास जो है नेक्स्ट टू पार्ट्स रह गए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं, तो जैसा कि पार्ट नंबर 9 है इसका,
4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। ये जो आपके पास है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं। इस तरह हमने ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए आपको सारी टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे एलसीएम से। तो इसका एलसीएम क्या बनता है देखेंगे। नीचे टर्म्स जो मौजूद हैं वो सिर्फ एक जैसी है दोनों साइड पर, मतलब यहाँ पर 3x प्लस 1 है और यहाँ पर भी 3x प्लस 1। अगर हम देखें तो इसका एलसीएम बनेगा 3x प्लस 1। तो हम इन दोनों टर्म को 3x प्लस 1 से करेंगे और 4 को भी करेंगे, मीन के इन तीनों टर्म्स को हमें 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 को करते हैं, 3x प्लस 1, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आगे माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 के साथ, और थर्ड टर्म को भी सेम इसी मेथड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 1 से, तो ये जैसे कैंसिल हो गया, इस साइड से भी इसका डोमिनेटर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 4 इंटू 3x प्लस 1 इधर माइनस 8 इधर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कि हम सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4 3 ज़ार 12, एक्स 7 वैसे ही, और 4 1 ज़ार 4 और माइनस 8, फिर 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये लाइक टर्म्स हैं, आपस में माइनस हो सकती हैं, 12x माइनस 4, 8 माइनस सॉरी 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 5। अभी सारी टर्म्स हमने एक साइड पे लेके जानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे पहले 3x स्क्वायर प्लस 5 है, इसको आप उधर लेके जाएं माइनस 12x, और ये आप इधर से माइनस 4 को उधर ले जाएं तो ये बनेगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, और 5 और 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर कंप्लीटली स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, और सेकेंड स्टेप इसका ये है कि अब कॉन्स्टेंट को हम दूसरे साइड पर लेके जाएँ, 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 9। ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में हम ये करते थे कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, या उसे उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। थ्री वन ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम एक्स के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 से, 2 टू 4, और 2 का स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने x स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम इस साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो पहले हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं इसका, x स्क्वायर माइनस 2 x मतलब a स्क्वायर माइनस 2 a, और b की जगह पर है 2। तो ये देखें ये फॉर्म बन चुकी है a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस b स्क्वायर, और जिसमें a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है। माइनस 3 वैसे ही, और 2 का स्क्वायर बनेगा इधर 4। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट कर लें, x माइनस 2
होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास दोनों साइड जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट इसका अंडर रूट लेंगे। जैसा कि एक साइड थी x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो इसमें अंडर रूट ले लेंगे। इसकी ये साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू और वन का अंडर रूट प्लस माइनस वन, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। अब यहाँ पे हमने इसके दो पार्ट्स बना लिए, जिसको एक बार प्लस में लिखा गया और एक बार माइनस में। तो हम इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वन वैसे ही रहेगा और ये टू सेट जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू थ्री। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। और सेकेंड आंसर जो है माइनस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास इसके दोनों आंसर आ गए। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका टेंथ पार्ट। सेवन एक्स प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव ए, सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री ए। इसको भी हमने कंप्लीटली स्क्वेयर मेथड से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं और एक फार्मूला भी मौजूद है, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो सेवन वैसे ही फार्मूला जो कि मौजूद है हमारे पास, जब ए स्क्वायर प्लस टू ए और b की जगह पर 2a प्लस बी स्क्वेयर, बी मतलब 2a स्क्वेयर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टर्म्स थी, x जो है वो a की जगह पे है और 2a जो है वो b की जगह पे है, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। उसका नेक्स्ट टर्म जो है 3a स्क्वेयर है, वो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 5a और आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5a को हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा हमारे पास 35ax। फिर हम 5a को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 523 ज़रा होगा 115 और साथ a और a मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वेयर बन जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म में क्या किया एक बार देख लेते हैं। 7 वही रहा, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, 3a स्क्वेयर भी वैसे ही, और 5a को हमने 7x से मल्टीप्लाई किया जो कि 5ax आ गया, और 23 को भी हमने 5a से मल्टीप्लाई किया जो कि 115a स्क्वेयर आ गया। अब नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। 7x स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया, 2 टू 4 और 4ax, और उसके बाद 2a स्क्वेयर मतलब 4a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वेयर। अब हम 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7x स्क्वेयर प्लस 4ax था तो 4 7 था 28ax और 4 7 था आगे भी 28 तो 28 ए स्क्वेयर और प्लस 3 ए स्क्वेयर 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्क्वेयर। तो ये राइट साइड वैसे ही रही। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लें। आप इधर 7 एक्स स्क्वेयर प्लस 28 ए एक्स और इन दोनों को ऐड करें हम तो ये बनेगा 31 ए स्क्वेयर। फिर आप इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आएँ, माइनस 35 ए एक्स और ये 115 भी आप इस साइड पर ले आए तो माइनस 115 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद लाइक टर्म्स
इसके बाद हम 7x² वैसे ही लिखेंगे, और ये देखेंगे लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो मतलब 28-35-7ax और 31a² में से 115 निकालेंगे तो ये -84a² बनेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, और जिस तरह की हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चन में किया है बाकी सारे रूल्स वही हैं, तो वही हम अप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 7x² - 7ax इज इक्वल टू 84a². उसके बाद x² का कोऑर्डिनेट हमने 1 बनाना है, तो 7 इसे डिवाइड कर लेंगे, 7 से कैंसिल, ये भी 7 कैंसिल हो गया, और 7 12 जार, तो ये बना x² - ax इज इक्वल टू 12a². इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका स्क्वायर कंप्लीट करने का, जिसमें हमने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, तो a/2 बना, इसका स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, x² - ax प्लस a/2² 12a² प्लस a/2² अब यहाँ से हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, तो इनका स्क्वायर हम फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर वाली फॉर्म में x² - 2a की जगह पे x और b की जगह पे a/2 प्लस a/2² a² - 2ab और प्लस b², यहाँ पे 12a² और यहाँ पे 1 का स्क्वायर a² आएगा और 2² जो है वो 4 बन जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स थी, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, यहाँ पे x - a/2² यहाँ पे इसका एलसीएम बनेगा 4, इसके जब 1 है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48a² 4 से कैंसिल, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर प्लस a² बनेगा। तो ये हमारे पास इसका एक साइड पे स्क्वायर कंप्लीट है, और दूसरी साइड हम सिंप्लीफाई करते हैं। x - a/2² इज इक्वल टू 48 और 1 ऐड होकर 49 बन जाएंगे, 49 4। अभी हमारे पास दोनों साइड सिंप्लीफाइड हो चुके हैं, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे, x - a/2 49a² मतलब 7a/2 7 प्लस माइनस, इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो इसके बाद ये -a/2 को हम लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, जो कि बनेगा +a/2, डोमीटर सेम एलसीएम 2 आएगा और नोमिनेटर भी वैसे ही आ जाएंगे, तो 8a/2 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 8, तो एक आंसर हमारे पास 4a आ चुका है, और सेकंड आंसर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे 7a/2 और ये a/2 जाके +a/2 बन जाएगा, 2 LCM -7a+a, तो -7 + 1 -6 और a साथ वैसे 2, इससे कैंसिल करें 3, x = -3a, तो ये हमारे पास इसके दोनों आंसर आ चुके हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड सीखे, एक हमने पहले फैक्टराइजेशन और सेकंड वाला जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका थर्ड मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसको हम ड्राइव भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके जो है ना क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।